Good evening. Assalamu alaikum. Kya haal hai ji? Pakistan mein baj gaye raat ke 11 aur idhar Manchester mein baj gaye sham ke 7. Aaj bada zabardast much awaited session aapke liye leke aaya hu main live with Tausik Haider mein aur hum sab ki favorite producer, director, actor Sameena Ahmed Sahiba. Pakistan ke liye unhone itna kaam kiya hai, theater mein bhi, television, radio, film, aur I'm so very honored and pleased ke aaj वो मेरे साथ होंगी, बहुत सी बातें करनी है उनसे और चल के देखते हैं कि समीना साहिबा हमें नजर आ गई। मैंने रिक्वेस्ट भी भेज दी और लिखा हुआ है वेटिंग फॉर समीना टू एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड देयर शी इज। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। पता नहीं आपने फॉलो किया कि नहीं के कल से जब से मैंने अनाउंस किया है कि यू आर गोइंग टू बी लाइव विद मी, तो आपने वो नीचे कमेंट्स फॉलो किए, इतना प्यार आपके लिए कि वो हमारी फेवरेट, सलाम ये वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप जैसे आर्टिस्ट भी फेसबुक पे, इंस्टा पे बड़े मतलब आपके फॉलोअर्स हैं, यानी आपने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेटेड रखा है, ये बड़ी जबरदस्त बात। बको थोड़ी बहुत कोशिश की है, अभी भी ये लाइव का जो था ना ये बहुत मुझे मुश्किल, मैं इंतजार ही करती रही, पता नहीं ये कब कहेगा, कब आएगा लिखा हुआ नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर। नहीं आप सबको बताएं, अभी तक टेक्नोलॉजी पे ना इतना यकीन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि समीना जी थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी, करे भी ये कैसे होगा ये लाइव, फिर मेरे जो कॉलीग है फहद, उन्होंने अभी एक 10 मिनट का एक ट्रेनिंग सेशन दिया है और आप फटाफट समझ गई कि कैसे होगा। बस वो फिर भी बस आई वाज अ बिट शेकी, वो उसके साथ तो दो दफा करना पड़ा ना, समझ ही नहीं आया पहले कि कैसे लाइव करते हैं। अच्छा मुझे तो थोड़ा बहुत आ गया। मुझे आपकी जो पहली याद है ना वो पता कौन सी है, जब अक्कड़ बक्कड़ टाल मटोल सच गप हुआ करते थे। अब मुझे अब याद नहीं ऑर्डर कौन सा है ये, पहले अक्कड़ बक्कड़ था? हाँ सबसे पहले अक्कड़ बक्कड़ था, ब्लैक एंड व्हाइट। यस आई थिंक सो, हाँ अक्कड़ बक्कड़ था, फिर उसके बाद फिर था सच कब, okay. और फिर था टाल मटोल। और मैं कहता हूं भाई क्या इंतजार होता था, और क्या इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड कॉमेडी, व्हाट वुड यू से आजकल के मुकाबले में। आज मुझे लगता है बड़ा फक्कड़पन थोड़ा ज्यादा है, उस वक्त का एक एक स्केच पे इंसान बाद में सोचता था, और आई थिंक ये चीज फिर अलिफ नून आगे चल के 50-50 तक हमें नजर आई। आपका क्या ख्याल है इस? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है कि उस वक्त जो कॉमेडी थी वो मतलब द थिंग वाज कि देख करके यूं नहीं लगता था कि जैसे कॉमेडी करने की बहुत कोशिश की जा रही है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, और कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अलिफ नून में भी यही था कि एक ड्रामा है, एक नॉर्मल हो रहा है, वो किरदार ही इस तरह के हैं, और सचकप में भी और टाल मटोल में भी जो किरदार हमने बनना है हम बहुत सीरियसली उसको कर रहे हैं। वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट कॉमेडी, वी वर नॉट ट्राइंग, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो इस तरह का था और किरदार और सिचुएशन इस तरह की थी कि वो कॉमेडी खुद ब खुद बन रहा था। अभी भी मैं उसके यहाँ गई हुई थी, आजकल के जमाने में जाना जरा मुश्किल होता है, मगर वो बहुत दूर दूर हम बैठे थे, तो उसने मुझे कहा ये देखो ये मुझे किसी ने भेजा है, सच कब का एक क्लिप था, विच वॉज मैंने बहुत मतलब मैंने अब एक जमाने के बाद देखा एंड इट वॉज वेरी फनी। Exactly. अब देखें लेकिन आजकल जो कॉमेडी हो रही है खासतौर पे ये जो टॉक शोज के अंदर, इस पे आपकी क्या टेक है, आर यू फॉर इट या आर यू नॉट, मतलब देखिए मैं बताते खुद मैं कभी किसी चीज के ऐसे खिलाफ नहीं होती, टाइम टाइम की बात होती है, हर एक का अपनी अपनी पसंद होती है। जो आजकल कॉमेडी हो रही है सम ऑफ इट इज वेरी नाइस, मतलब वो कॉमेडी सिर्फ जुबान की है ना, झुकते हैं सिर्फ, वो एक्टिंग की नहीं है, हाँ। है ना?
एक्टिंग सिचुएशन वो नहीं है, ये तो सिर्फ जुक्ते लगा दिए हैं किसी सिचुएशन के ऊपर, क्या है कौन क्या कह रहा है, आपको जुमला सूझा आपने फौरन वो बोल दिया, इस तरह की कॉमेडी है ना। तो वो मतलब आई एम ओके विद इट, इट्स फनी एट टाइम्स, इट्स वेरी नाइस, मगर जो जो मुझे पसंद है वो है ड्रामा, और ड्रामे में जो कॉमेडी होती है वो मुझे मुझे उसका वो मुझे वो पसंद है। आई लाइक डूइंग दैट, आई लाइक वॉचिंग दैट, आई एंजॉय दैट। अच्छा, आपने माशाल्लाह थिएटर भी किया है, आपने रेडियो भी किया है, फिल्म भी की है और टेलीविजन भी किया है, और चारों में जहां जहां भी आप नजर आई माशाल्लाह, वही मैं आपको बता रहा था ना कि आपका जो फीडबैक मुझे नजर आ रहा है, यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री, के बस हर एक ना हर जनरेशन का बंदा कहता है ओ वाह शी इज लवली, गिव हर माई सलाम, गिव हर माई लव। तो आपको बहुत पसंद किया गया हर That's हर अंदाज में, very लेकिन आप जरा इन चारों मीडियम्स का आज हमें फर्क बताएं, रेडियो, थिएटर से टेलीविजन और फिल्म, ये सब एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं और आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया? मुझे बताएं कि आप किस किस्म का कंपैरिजन कर रहे हैं, रेडियो को टेलीविजन से कैसे, रेडियो में सिर्फ आवाज है, तस्वीर तो आई नहीं रही, तो हम कंपेयर कैसे कर लें? तो ठीक है ठीक है, ज्यादा बुनियादी फर्क चैलेंजिंग ये कौन है कि सा सिर्फ आवाज है ना, और टेलीविजन फिर और तरह से है, फिल्म का और कैनवस होता है, तो और थिएटर का तो बिल्कुल ही फर्क है, वो लाइव आपने है, ज्यादा एंजॉय आमने किसको सामने किया? बैठे हैं, आपका एक कनेक्शन बन रहा है ऑडियंस के साथ में, तो वो बिल्कुल एक फर्क है। आपने रिहर्सल करके जो भी कोई परफॉर्मेंस है उसको इतना पक्का याद किया हुआ है, और वो कैरेक्टर्स आपने अंदर अपने समोए हुए हैं कि जब आप वो परफॉर्म करते हैं तो आप बिल्कुल वही होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जब आप टेलीविजन में करते हैं तो आप वो नहीं होते, मगर टेलीविजन में फिर छोटे छोटे सीन है ना, छोटा छोटा काम आपने कर है ना, वो एक एक कहीं रीटेक भी है, आपने एक एक जुमला करके भी कर लिया, वो बाद में एडिट हो जाएगा। थिएटर में तो कोई एडिटिंग नहीं है, वो पूरे तो वही होना है, अच्छा कर दो लिया घंटे तो डेढ़ बाद घंटा में बुरा हो बुरा गया तो फिर बुरा हो गया, कई दफा हो आपका जाता सबसे है ज्यादा कि आप चैलेंजिंग परफॉर्मेंस अच्छी कौन सा नहीं लगता की। था? सबसे मुश्किल आपको कौन सा मीडियम लगा, या सबसे चैलेंजिंग कौन सा मीडियम लगा? देखिए मैं जब गेस मैंने करूं? शुरू किया था, जब जब मैंने शुरू किया था ना, तो टेलीविजन भी बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि तब लाइव था वहां हाँ यस है ना, लाइव था मगर छोटा तो हाफ एन आवर, वो तो थिएटर जो थिएटर की था तरह वो करते होंगे आप डेढ़ लोग, घंटे थिएटर की तरह करते होंगे कि एक तरह एक बात शुरू हुआ तो लाइक अ थिएटर उसको कंप्लीट करना है बिल्कुल ना? बिल्कुल हाँ, ये ऐसे ही एग्जैक्टली, था। गुड टाइम्स वैसे, और है ना? वो एक ही सेट के ऊपर भी होते थे ड्रामे, दो दो सेट पर नहीं होते थे, बहुत होता था तो कहीं एक कैमरा लगा के वो बाहर कर देते थे कि दरवाजे से बाहर निकले तो वो वहां पर नजर आ गए, तो इस तरह से था, अच्छा, मुझे तो लगता इस है वजह रेडियो से सबसे मुश्किल है, कॉमेडी को रेडियो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने आवाज से सारा कुछ करना रेडियो हाँ बहुत मुश्किल, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है, हाँ अभी भी शायद लगता exactly. है। अच्छा भाई, आपने ना, अब ये देखिए, मैं लोगों को पता लगेगा कि मैं भी कोई नया नहीं हूं, मैं भी बड़ा पुराना हूं, मुझे आपकी जो एक और याद पहली पहली है ना एज एन ऑडियंस, एक तो वो है ना सच कब टाल मटोल के, आपकी जो कॉमेडी शुएब हाशमी, सलीमा हाशमी के साथ, सलमान शाहिद, क्या वक्त था। लेकिन मुझे जो आपकी एक और याद है, बहुत छोटा सा था मैं, एक एड था सोप का, ब्यूटी सोप, पुरानी बात, देखिए मैं कितनी कितना पुरानी, पुराना बहुत मुझे पुरानी। नाम भूल रहा है, कैप्री कैप्री था या लक्स था या कैप्री, कैप्री? मैंने कभी भी कोई बहुत ज्यादा एड नहीं की, मगर एक वो था, वो मेरे हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जानने वाले थे, और उन्होंने बहुत ही मेरा पीछा पकड़ा कि भाई नहीं आपने ये जरूर करना है, जरूर करना, तो अच्छा हमने कहा अच्छा ऐसा क्या है, तो वो मैंने किया था। आई थिंक तब मैंने टेलीविजन पे शुरू कर दिया था काम, आई थिंक ओके इट वॉज जस्ट बिफोर अक्कड़ बक्कड़, और नो इट वॉज लिटिल आफ्टर अक्कड़ बक्कड़, आई थिंक मिड 70s की बात है, अर्ली 70s, early 70s। हाँ, मैं 70 की पैदाइश हूँ, तो बिल्कुल, मैं आई वॉज अ स्मॉल किड, मुझे मुझे वो आता है जहन में। तो क्या इतना सा बेबी गोदी में था और एड देख रहा था। हरकतें तब से जारी है मेरी। अच्छा, उस जमाने में
का जो स्टारडम था ना, उसके बारे में जरा मुझे बताइए। अब ना फेसबुक था ना इंस्टा था, जब अनारकली में निकलते थे, लिबर्टी में निकलते थे, वो स्टारडम क्या था? वो ऑटोग्राफ, ना सेल्फियां थी, ना फोन थे। देखिए उसमें तब ये था कि क्योंकि एक ही चैनल था, आपको रात को आपको ड्रामा चला है, सुबह में आपको फीडबैक मिल गया, सुबह में आप गए हैं, अगर लोगों ने पसंद किया है तो आपको राह पे कोई ना कोई आवाज दे देगा, कोई आपका किरदार अगर बहुत अच्छा लगा उसके नाम से आपको पुकार लेंगे लोग। तो जो मुझे याद है कि अनारकली या लाहौर शहर के अंदर दुकानें जब बंद होती थीं, वो किस ड्रामे के लिए हुई, तो वो था वारिस। वाह बिल्कुल। उससे पहले था, क्रेजेस होते थे, लोग देखते थे, मगर शायद इतना पॉपुलर और इतना वो नहीं था जितना के वारिस ड्रामा था। वो 13 किस्तें या जो भी थी, मेरा ख्याल है 13 किस्तों का ही होता था, 13 ही होता था उस वक्त। हाँ, वो जो 3 महीने थे उसमें वाकई लोग, एंड एवरीबडी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जो हमारे कुछ मेरी सहेलियां जो के नहीं वैसे देखती थी इतना ज्यादा ड्रामा, उन्होंने भी वो देखा और फिर बाकायदा उसके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत ये क्या है, बहुत बहुत उसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बड़ी बहस है आजकल के जी, दूसरे ममालिक के टर्किश ड्रामे या दूसरी जबान के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आपकी इस पे क्या थे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इसके, क्योंकि जब वो ड्रामा चलता है दैट इज टेकिंग अवे आवर टाइम, ठीक है। और ये कहना बहुत से लोगों का ये है कि जी कंपटीशन होना चाहिए, तो वो आप फिर उनका चैनल ले आए ना, टर्किश चैनल को डालें जहां सारे टर्किश की चीज है, ठीक, वो आप दिखाएं, फिर कंपटीशन बनेगा ना, फिर हम देखते हैं कि टर्किश लोग देखते हैं कि हमारा ड्रामा देखते हैं, या इस कॉम्पिटिशन से। मगर आप हमारा जो है प्राइम टाइम, रोज आना का प्राइम टाइम आप उनको अगर दे देंगे तो हमारे ड्रामे कहाँ दिखाए जाएंगे, क्या हमें कहाँ दिखाने, इन्हीं चैनल्स के ऊपर ही दिखाने हैं ना, हमने कहीं सिनेमा में तो नहीं दिखाने ड्रामे अपने, तो हमारे ड्रामे बंद हो जाएंगे बनने। तो फिर अगर हमारे ड्रामे ही बनने बंद हो जाएंगे तो हमारी कहानियां कहाँ जाएंगी, हमारी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी, हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हमारे फनकार, हमारे हीरोज, हमारी हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ जाएगी? आप ये हमें दिखा के या कोई और लोगों मुल्क के ड्रामे दिखा के अब बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी चैनल के ऊपर ये चलाएंगे, क्या बात है, ऐसी बात है। तो हमें हमारे हमारा मौकफ और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मौकफ है कि ये ड्रामे अगर आपने दिखाने लाजमी है किसी वजह से तो आप उसको ऑफ प्राइम में लेकर जाएं। ओके आप सुबह में चला दें, दोपहर को 2 बजे चला दें, प्राइम टाइम का प्लॉट जो है वो उर्दू ड्रामे को ही मिलना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामे के लिए होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी फनकार, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तानी राइटर, पाकिस्तानी टैलेंट, वो वाला प्लॉट हो। अच्छा जी, अब एक सवाल आपकी एक फैन ने आपसे पूछा, क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशन में खुद भी करता हूँ लेकिन मैं ऑफर करता हूँ कि कोई आज के मेहमान से किसी ने पे सवाल पूछना है, तो आपकी एक फैन ने सवाल पूछा, वो कहती है भाई आप जैसी ख्वातीन जो शो बिजनेस में है उनको हम अक्सर ख्वातीन के हुकूक, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज बुलंद करता हुआ देख रहे होते हैं, और एक एजुकेटेड स्ट्रॉन्ग ख्वातीन है आप लोग खुद भी, तो ऐसा क्यों नहीं होता? और साथ ही साथ हम क्रिटिसाइज करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर औरत को वो मजबूर, लाचार, मजलूम, कप्पड़ खा रही है वो, तो आप जैसे लोग व्हाई डोंट यू पुट योर फुट डाउन, आप क्यों नहीं कहते कि भी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी, मैं ये अदाकार ये किरदार नहीं, क्या कभी ऐसा हुआ कि अदाकार ने कहा हो कि या ये कमर्शियलिज्म की नजर हो गए हैं सब, कुछ इस तरह के उनके जहन में बात? बात सारी ये है कि ड्रामा जो है वो एक स्टोरी टेलिंग है, और एज एन एक्टर हमने वही करना है जो, मतलब हमारे पास ये चॉइस है, आइदर यू डोंट डू दैट प्ले, और इफ यू आर डूइंग इट, तो आपने जो भी किरदार आपने एक्सेप्ट किया है उसमें किरदार ने क्या करना है वो आपको सब करना पड़ेगा, जाहिर है, क्योंकि आपका एज एन एक्टर आपका ये काम है। मगर कहीं कहीं पर
कहीं कहीं के ऊपर जहां पर कहीं को थप्पड़ मारना होता है, मैं कहती थी कि मैं नहीं मारूंगी, मुझसे नहीं किया था। अच्छा, कहा है आपने कभी? मैंने कहा है कहीं कहीं पर जहां मुझे लगा कि जैसे एक एक ड्रामे के अंदर, बल्कि उसमें जिंदा में ही था, जो स्क्रिप्ट के अंदर था, उसमें मैं दी जान लड़की को कहती हूँ कि ये तुम्हारा शौहर है, इससे माफी मांगो और इसको कहो कि आइंदा मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मैंने कहा डायरेक्टर को, मैंने कहा यार ये बड़ी गलत बात है, शादी बराबर की होती है, दोनों का बराबर का। तो अच्छा ऐसा बालिश, उसने कहा बिल्कुल आपा बिल्कुल ठीक है। तो हमने ऐड किया उसके अंदर कि वो, मैंने कहा कि देखो देखो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए और इससे माफी मांगी। उसके बाद में मैंने फिर कहा अब बेटा तुम भी अपनी बीवी से माफी मांगो। उसने कहा है ये क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम्हारी ये बीवी है और तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए और ये रिश्ता बराबरी का। तो कहीं कहीं पर हम लोग करते हैं थोड़ा थोड़ा जहां कर सकते हैं, मगर अगर आपने किरदार ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे मैंने एक एक्सेप्ट कर लिया जो कि बड़ी ही जालिम किस्म की जागीरदारनी है, जो मैंने एक किया था, जो बहुत जुल्म करती है, मारती भी है, जलाती भी है, मरवा देती है, तो वो भी करना होगा, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल यू आर टेलिंग अ स्टोरी। अच्छा, आपने जी फिर आगे आपके करियर में आए तो एक माशाल्लाह आपको क्रेडिट जाता है एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि पाकिस्तान के अंदर सिटकॉम्स की रिवायत रखने वालों में मेरा ख्याल है आपका नाम सर फहरिस्त है। फैमिली फ्रंट, कितनी जी कितनी एपिसोड्स थी जी उसकी? फैमिली फ्रंट की कितनी किस्तें थी? तीन पता नहीं, याद नहीं मुझे, मेरे ख्याल में 300 के करीब तो थी। 300 से ज्यादा किस्तें, साल हर साल चला, और क्या जबरदस्त उसका मतलब एक क्रेज था, एक चस्का था फैमिली फ्रंट को देखना, एक चस्का मैं कहूंगा। टेल मी अबाउट फैमिली फ्रंट, कि वो कैसे इवॉल्व हुआ, हु वाज द मेन पर्सन बिहाइंड इट, ये आइडिया किसका था, या हाउ डिड इट हैपन? ये नए नए चैनल शुरू हो रहे थे, हमें पता चला, हमने मैंने मुझे बड़ा शौक था कि मैं कुछ करूं, कि ठीक है, मैं कुछ कॉमेडी करूं। तो 2-3 साल से मेरे जहन में ये बात आ रही थी, एक दो स्क्रिप्टें भी लिखवाई, कुछ मजा नहीं आया। फिर मेरी दोस्ती थी सबा के साथ, बहुत सबा हमीद और मैं, हम दोनों बहुत इकट्ठा इकट्ठा स्टेज पर भी करते थे, मैं आर्ट्स काउंसिल में नौकरी भी कर रही थी, तो हमारा बहुत रोज का ही मिलना जुलना था। मैंने उसको कहा कि क्योंकि हमने रोज मिलना ही है ना, तो हम ऐसे करते हैं, हम दोनों मिलके ना कुछ शुरू कर देते हैं, हम दोनों एक्ट कर लेंगे दो औरतें। तो यहाँ ऐसे ऐसे कुछ हमने कहानी बनानी शुरू की। और फिर मुलाकात हुई मेरी डॉक्टर यूनस भट्ट से, उनको मैंने कहा कि ये मुझे बना लिख के दें, दो-तीन आइडिया करके वो हमने पायलट बना लिया। पायलट बनाकर जब मैं साजन अजम साहब के पास ले गई तो वो तो बहुत ही खुश हो गए, उन्होंने कहा जब तू अपनी होगी पीटीवी वर्ल्ड की तो हम ये चलाएंगे और तुम्हारा हम ये जिंगल मैं ले गई। मैंने कहा जिंगल भी मैं, यही तो है फैमिली फ्रेंड। वो उस दिन हमने चलाया। और मुझे याद जाहिर है है हमने वो शो किया जो था था, कि मुझे याद है वो शो था लाहौर में जब लॉन्च हो रही थी और मैं और शहनाज शेख उसको होस्ट कर रहे थे। वो ये गालिबन हाँ 1998 99 98 था, मुझे अब याद नहीं, 98 मुझे भी याद और नहीं मुझे है। अभी भी याद है कि आपकी पूरी टीम का जब मैंने इंटरव्यू किया था और आप लोगों ने कहा था कि मुझे कुछ ऐसा की बात, ये नहीं मुझे पता कि अच्छा होगा नहीं होगा, या इतना मुझे पता है कि ये डिफरेंट है। आप यू यू आपका क्लेम था कि आई एम ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट उस दिन भी। यस हाँ, और ये बिल्कुल इस तरह से एक गुड फेथ में एज अ फन थिंग हमने स्टार्ट किया था। हमें नहीं मालूम था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा या इतने अच्छा अरसे चले, ये बिल्कुल हमें कोई अंदाजा नहीं। जी, सिटकॉम आजकल सिटकॉम की क्या सिचुएशन आप देखती हैं? ये क्या एक साइकिल होता है सिटकॉम्स इन हुए तो जी 3/3, फैमिली फ्रंट और वो डाउन, अब वो मोमो के अलावा हमें कोई और उस तरह से मेन स्ट्रीम सिटकॉम नजर नहीं आता। सो फिर मॉर्निंग शो शुरू हुए तो जनाब नादिया का भी, निदा यासर भी, तो शाइस्ता भी, तो बहुत से, फिर अब वो डाउन हो गया। ये कॉमेडी वाले जुगत वाले जो टॉक शोज हैं इनका एक एक साइकिल होता है, जो चीज हिट होती है फिर डाउन हो जाती है। हाउ डू यू सी ऑल दिस?
कुछ तो ये भी है कि कोई साइकिल होता है और वो चीज डाउन हो, कुछ टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं फिर नहीं होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि हमने कॉमेडी को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी, उसको सिटकॉम को और कॉमेडी को हमने इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी कि हम कहें कि इसको हम और ज्यादा बेहतर करें, इसके ऊपर और ज्यादा उसको सॉर्ट ऑफ अ फिलर के तौर पर चैनल्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हाँ फिर वो जाहिर है कि कम, फिर उसकी वैल्यू कम हो गई। कुछ राइटर्स जो कि कॉमेडी लिख रहे थे उन्होंने कहा कि हम नहीं लिखना चाहते क्योंकि इसको एज अ राइटर हमारा करियर आगे नहीं बढ़ता अनलेस वी डू सीरियल्स। ओ अच्छा ये इस किस्म की ये बातें थी। ओके ओके। कोई आया है कमरे में हाँ क्या? जो मैं समझा वही आया है कमरे में, बुलाए ना? बिल्कुल बुला हाँ लूँ। बिल्कुल बुलाएं भाई मंजर साहब से। ओके हम क्यों ना सेशन में उनको आदाब भी कहें, सलाम भी करें और हेलो जी हाय भी करें। जरा दरवाजा खोलो हाय आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, मिजाज? आप हाय हाय नहीं करें, उसका तो अभी वक्त नहीं आया है। आपने तो अभी तो मैं आया हूं, आपने हाय हाय शुरू कर दी। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, बोथ ऑफ यू लुकिंग सो नाइस टुगेदर। हाँ वो हमें हमें खुद भी पता है यार, कोई और नई चीज बताओ। बल्कि आप दोनों को तो सबसे पहले पता चला था, तो फिर दुनिया को पता चला था। नहीं वो तो जाहिर है, दुनिया को तो अभी तक पता नहीं चला। सबको पता है। और भाई हमें हमें ये काफी है कि आपको पता चल गया। भाई कैसी गुजर रही है ये बताएं अब आप दोनों। भाई आप आपके सामने गुजर रही है, माशाल्लाह आपके माशाल्लाह। आपकी आंखों के सामने गुजर रही है भाई। मैं आपको बताऊं, मैंने कल, अभी मैं समीना जी को बता रहा था कल, जब मैंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि आप समीना होंगी और आप भी होंगे शायद साथ। आप यकीन करें, इतनी मुबारकबादें आई हैं आप दोनों के लिए, इतना प्यार, इतनी मुबारक कि वो बस अब आप आई गए तो अब आप कबूल कर लीजिए। और जो हार्ट सारे इस वक्त दिलों की तादाद बढ़ गई है राइट साइड पे। हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई ये तौसीफ भाई, चक्कर ये है कि ये आपने तो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया आप, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज जो है ना ये इनकी वजह से, ये सारा का सारा सारा का सारा जो सारी की सारी मोहब्बत प्यार तमाम चीजें जो हैं, जो ये तमाम लोग जो हैं वो उसका इजहार कर रहे हैं वो इनकी वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा तो ये बताएं कि वो जो तस्वीर सबसे पहली रिलीज हुई थी, वो खींची किसने थी? वो देखे वो चलची थी, आपको पता नहीं चला। देखे मेरी बात सुने। वो सेल्फी थी, वो लोगों वेरी को पता नाइस। नहीं चला। और भाई फ्रेम इन्होंने बनाया था। अच्छा वो तो जाहिर है, वो तो जाहिर है। अच्छा समीना, मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, जब से मंजर भाई आए हैं फ्रेम के अंदर, आप खामोश हो गई मैं जा रहा हूं यार, मैं जा रहा हूं। हैं। बैठे बैठे तुमने भाई, ये एक दो, तो दो एक बार में एक ही बात कर सकता है ना, दो बोल लेती, तुम भी बोलो मैं भी बोलो वो भी बोले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं, हमारा तो ख्याल था आपने खामोश कराएंगी, इन्होंने आपको खामोश करा दिया शादी के बाद। बारी समझना। बारी बारी बारी। अच्छा चले, अब वो बात आई गई है तो बहुत आपको मुबारक हो तमाम फैंस की तरफ से। मैं भी कह रहा था, आपने वो मैसेजेस नहीं पढ़े, कमेंट्स, हर दूसरा शख्स कह रहा है कि हमारी तरफ से दोनों को बहुत मुबारक दें और हमें बहुत खुशी हुई, आइडियल कपल और पता नहीं क्या क्या, पूरी एक लिस्ट थी तो मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ भी नहीं सका। वो धड़ाधड़ बमबारी हो रही थी प्यार और मोहब्बत की आप दोनों के लिए। चले मैं पढ़ लूंगी, बट एंड थैंक्स, थैंक यू एवरीवन जी, इतना प्यार इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अच्छा मुझे बताएं कि पता नहीं मंजर साहब के आने से पहले क्या बात हो रही थी, एनीवे आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि अब नाउ व्हेन यू लुक बैक, माशाल्लाह आपने 60s 70s के दौर से पाकिस्तान में मीडिया के लिए काम शुरू किया,
नाउ एज अ पर्सन व्हेन यू लुक बैक, और बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया, शोहरत भी पाई, पैसा भी पाया, मोहब्बत भी पाई, नाउ व्हेन यू लुक बैक, कोई रिग्रेट, कोई डिसीजन जो आप चेंज करना चाहें, कोई अपने प्रोफेशनली या लाइफ के कोई ऐसी चीज जो इफ गिवन अ चांस आप मुड़ के देखें तो आपके तौसीक में ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करना चाहती अगर मुझे दोबारा मौका मिलता? हाँ, क्या वर्क जो मैंने आर्ट्स काउंसिल में किया, जो बहुत मुश्किलात में मैंने काम किया, क्योंकि वहां का पूरा एटमोस्फेयर नहीं था कि आर्ट्स काउंसिल की अपनी प्रोडक्शंस हों, आर्ट्स काउंसिल अपना काम करे, वहां पर जितना मैं कर सकी मैंने कर लिया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं पर भी मौका नहीं मिला या ऐसा माहौल नहीं मिला जहां पर कि मैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेती। और वो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था फेस्टिवल्स करने का, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का कि जहां वो अपने काम शोकेस कर सकें, वो मैं नहीं कर सकी। और मेरी एक रिग्रेट जो सबसे बड़ी ये है कि अगर मैं ज्यादा और मेहनत करती और ज्यादा दिल लगाती तो जो पब्लिक थिएटर मैंने इल्हमरा में कायम किया था उसको कोई एक परमानेंट डिपार्टमेंटल शक्ल मिल जाती जहां पर के लोग काम करते रहते, मैं हूं या नहीं हूं, और उनमें से बहुत सारे और लोग भी जो हमारे पपेटियर्स थे वो छोड़ के चले गए, कुछ तो बल्कि अब वन और टू पीपल हैव आल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड, तो कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो और लोगों को इंडक्ट करने की जरूरत थी कि ये पपेट का जो काम है ये आगे चलता रहे और बच्चों की एंटरटेनमेंट और बच्चों का एक लिंक जो कि अल्हम्रा के साथ बन रहा है वो कायम रहे। मुझे अभी भी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे अभी कुछ दिन, चंद महीने पहले, ये सब कोरोना के बिजनेस से पहले तो हम एक दूसरे के घरों में जा रहे थे और मिल रहे थे, तो एक लंच पर मैं गई हुई थी तो वहां पर एक खातून आई, यंग सी थी, और वो कहने लगी कि मैं तो आती थी हर संडे को पपेट शो देखने के लिए एज अ चाइल्ड। ओके, तो मैं कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सुन के, आई वाज सो हैप्पी, सो टच। और मैंने कहा अभी तक लोगों को मेरी शक्ल के साथ वो वाबस्तगी है कि बच्चों के लिए मैंने जो काम किया। ऐसे बच्चों के लिए वैसे भी हमारे मुल्क में काम कम कम ही होता है, कुछ नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ कोई आर्ट्स काउंसिल, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, हम लोगों का ये है कि हम चाहते हैं कि हम पैसे बना लें, टिकट से पैसे बना लें। अब बच्चों का थिएटर आपने करना है, अगर आपके एक्सेसिबिलिटी टू ऑल चिल्ड्रन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने अमीर लोगों के बच्चों को सिर्फ अगर ड्रामा दिखाना है या पपेट शो दिखाना है जो 300-300 रुपए का टिकट लेकर आएंगे, आपका फिर भी वो खर्चा पूरा नहीं करेगा। ठीक है, मैंने इतने हिसाब लगाए, इतने बजट बनाए, इतनी फिजिबिलिटीज बनाई, वो नहीं होता। तो अल्हम्रा में हमने कहा था 3 रुपए टिकट होगा, टोकन टिकट 3 रुपए का। ओके, 3 रुपए का, और फिर बढ़ा के उसको 5 रुपए कर दिया था। तो हर तरह का बच्चा आता था। मैं हमारे घर, कब की बात है ये? 80s की बात है, 85 आई थिंक इट इज। नहीं, 5 रुपए उस वक्त भी कोई कम पैसे तो नहीं थे। 5 रुपए बड़ों का था और 2 रुपए या 3 रुपए बच्चों का था। ठीक है, तो कर सकते थे ना अफोर्ड एक दूसरे को। हम अगर कोई ऐसा बच्चा हमें नजर आया जो कि नहीं अफोर्ड कर सक रहा तो हमने खुद दे देते थे टिकट, मगर टिकट होता था और बच्चे खुद लेते थे पैसे लेकर के, छोटा सा काउंटर था वहां जाके पैसे दें और बोले। सो वी थॉट कि दिस विल इनकल्केट इन देम अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हमारी जगह है, हम जाते हैं, हम टिकट लेते हैं और हम देखते हैं। वो मुझे रिग्रेट है कि वो अनफॉर्चुनेटली मैं इतना नहीं कर सकी, उस पर इतना टाइम नहीं दे सकी, उसको मैं और ज्यादा आगे चलाती। अच्छा, माशाल्लाह, आप बड़ा एक्टिवली अभी भी काम कर रही हैं, आप ड्रामा भी कर रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं, ऐसा कोई काम जो आपकी पाइपलाइन में है जो आप चाहती हैं, यू वांट टू सी इट हैपन इन योर करियर? यस, यस, बताइए। जमाने में मैं क्या करूँ, इट इज वेरी, मैं क्या कहूँ इसको, इट्स ऑल्सो ऑकवर्ड एंड एम्बेरसिंग कि कोई 20 साल पहले या 22 या 25 साल पहले मैंने एक रिसर्च शुरू की थी पाकिस्तानी थिएटर के ऊपर,
जो मेरा अपना शौक था कि मैं आप भाई हमने कहाँ से शुरू किया है, कौन लोग थे, 47 में क्या हो रहा था यहाँ पर, 47 में कौन थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद कितने लोग आए और क्या काम हुआ यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम है हमारी हिस्ट्री क्या है। ठीक है किताबों में मैंने ढूंढी भी नहीं मिली, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी ये हिस्ट्री निकालू। ओके मैंने रिसर्च करनी शुरू की, वो मैंने एक 92 की बात है शायद, मैंने एक एग्जीबिशन की, आई गॉट सम फंडिंग फ्रॉम द ओके गवर्नमेंट, आर्ट काउंसिल। तो मैंने एक एग्जिबिशन में तस्वीरें लोगों से ली, उनकी तस्वीरें बनाई, उनके नेगेटिव बनाए और उनको आइडेंटिफाई करके उनको लगाया, डिस्प्ले किया। वो हफ्ता भर लगी, तब से अच्छा मुझे और ज्यादा कि भाई इनके अब इसको हमें छाप देना चाहिए। फिर जब छापने लगे तो फिर और होता है, अच्छा यार इसके बारे में थोड़ा सा और ढूंढ लें, इसके अच्छा बारे में थोड़ा सा और खोज निकाल लें। तो अब वो ये है कि कुछ ड्राफ्ट हुआ हुआ है, कुछ बना हुआ है, उसको फाइनलाइज करना है और ओके फाइनलाइज करके उसको छाप दूं, तो वो मेरी जिंदगी से एक बोझ है अभी। ये आए उसका कि नाम क्या रखा है उस रिसर्च का? पाकिस्तानी अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो थिएटर, पाकिस्तानी थिएटर कहते हैं उसको। थिएटर की हिस्ट्री। हाँ, दिस विल बी वॉल्यूम 1 बिकॉज इट विल डू अबाउट 40 और 45 ईयर। देखिए मैं अब तो हम आपको 70 ईयर प्लस पर आ गए हैं, अब तो मैं मैंने कहा अच्छा कि जो मेरे पास है उसको तो मैं उसको एक तरफ निकाल दूं अगर, तो फिर मैं नेक्स्ट 30 ईयर्स के वॉल्यूम 2 कर लूं। नहीं तो बात सुने, बच्चा तो नहीं लगता मैं कौन होता हूं आपको मशवरा देने वाला, आप हमारे असातिज़ा की जगह है। लेकिन एक वैसे मशवरा जहन में आ रहा है कि आजकल के जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ बड़े तेज हैं। आप एक लड़का लड़की या दो कोई बच्चे आप रखें अपने साथ इन्वॉल्व करें, और सॉरी एम्बुलेंस गुजर रही थी तो उसकी वजह से वो शोर ज्यादा हो गया। मैं कह रहा हूं दो स्टूडेंट्स बैचलर्स मास्टर्स लेवल के, उनको ये सारा डाटा दें, वो ऐसा स्विफ्टली आपकी रहनुमाई में आपकी सरपरस्ती में इतना तेजी से ये काम करेंगे, क्योंकि ये बच्चे मैंने देखा है रिसर्च और कॉन्टेंट हैंडलिंग के अंदर बहुत तेज है। हाँ, मगर मेरे मतलब आई डोंट, मैं जानती नहीं हूँ। यहाँ कराची में अब मैं हूँ और कराची में मैं किसी ऐसे ओके शख्स को अभी तक तो नहीं जान पाई हूँ जो कि मैं चलो, मुझे आई विल कीप इन नहीं। माइंड, अगर कोई मेरे जहन में आया तो मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। और अगर जो लोग हमारे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर उनमें भी कोई ऐसा किसी में ऐसा जज्बा हो कि वो रिसर्च करना चाहता है, बल्कि क्योंकि मतलब मुझे, मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी है, नोट्स हैं मेरे, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है। मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी स्लो है कि फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं कि भाई सोच रही हूँ मैं कुछ और, लिख रही हूँ मैं कुछ और, वो अभी द लिखा है और मेरा जहन में जुमला कहीं और पहुंच गया, तो वो उस तक से बहुत मुश्किल हो जाता। जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस शहर में गुजरा? लाहौर, और अब कराची में काम की वजह से सेटल है, काम लाहौर की भी क्या है। अः मिस करती है यहाँ लाहौर कराची का? का मुझे मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ना ओके कभी ज्यादा सर्दी होती है ना कभी ज्यादा ना गर्मी होती है ना। लाहौर में तो एक्सट्रीम्स हैं, तो ओ वो और जब फॉग बिजली आती भी है तो ना आए और गैस भी ना आए और सर्दी हो तो बहुत मुश्किलात हो जाती है ना। अच्छा लाहौर की क्या चीज मिस करती है बहुत ज्यादा? लाहौर के दरख्त, हाय लाहौर के सड़कें कुछ ऐसी हैं जो मेरी फेवरेट हैं, मसलन माल रोड है, माल रोड। मालवीय। हाँ और माल रोड अगर जरा जरा सी ठंड हो और शाम का वक्त हो, रात हो, उसकी लाइटें हो और वो दरख्त हो और वो उसमें से लाइट छन छन के आ रही हो और अगर बारिश अच्छा हल्की सी हुई भी हो, तो इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड इन द वर्ल्ड मेरे लिए। डाउट नो डाउट हाँ, बहुत, नो डाउट। और मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी बड़ा मजा आया आपसे गप्पे लगा के, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। एंड हाँ देखो, है ना, आई एम सो हैप्पी के मंजर साहब से भी मुलाकात हो गई। ऑल द बेस्ट, बहुत थैंक मुबारक, अल्लाह मियाँ आप दोनों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और मैं ये देख रहा था कि उनकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में कितने लाफ्टर्स ले आई है ना? और बिल्कुल ये सही बात है कि नहीं, सही ऑब्जर्वेशन है? मेरा ख्याल है इट्स स्पाइसी बस।
आपकी मौजूदगी ने उनकी जिंदगी में भी एक नई जिंदगी, वो जो कहते हैं ना नई जिंदगी, आप दोनों ने वाकई एक नई जिंदगी शुरू की. यस वी आर वेरी फॉर्चुनेट. गॉड इज काइंड. माशाल्लाह. थैंक यू सो मच जमीना जी, बहुत शुक्रिया. Thank you. ये अभी थोड़ी देर में ये वाला सेशन मैं इंस्टा पे भी डाल रहा हूँ, एज अ स्टोरी भी, एज अ पोस्ट भी, फेसबुक पे भी डालूंगा. मैं आपको लिंक्स भेजूंगा, फिर आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा. बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. लाइकवाइज. खुदा हाफिज़.